उतरो उतरो। हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और माता रानी से दुआ भी करती हूँ कि हमेशा ऐसे ही अपने जीवन में खुश रहें और आगे बढ़ते रहें, खूब तरक्की करते रहें। और ये देखिए, ये हो रहा है टाइम, करीब 1-1.5 बजे का टाइम हो रहा है। 1.5 बजे का नहीं दोस्तों, ये करीब 11-11.30 बजे का टाइम हो रहा है। धूप अच्छी खासी खिली है और मौसम भी अच्छा खासा है। तो यहाँ पे हमने बुला लिया है ये ट्रैक्टर वाले भैया को, जो ट्रैक्टर से घर घर यानी कि सबके घर के बाहर ये आजकल चारा काटने के लिए आते हैं। तो ये सुविधा बहुत अच्छी है, जब से ये हो गया है ना, बहुत ही आसान हो गया है। तो जितने भी चारे हमने लेके आए थे, यानी कि जो बाजरे का चारा था और धान का जो चारा था, सारा कुछ घर आ चुका है। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप लोग पिछले कई दिनों से बहुत अच्छे अच्छे बहुत 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 ज़्यादा कमेंट करते हैं, सब लोग भर भर के कमेंट करते हैं और अपनी अच्छी अच्छी दुआएँ मुझे देते हैं। कमेंट तो इतने अच्छे अच्छे करते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं जो सऊदी से हैं क्या शायद, तो अभी मैं उनका कमेंट पढ़ के आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ पे पता है दोस्तों, मैंने इनको बुलाया है क्योंकि मुझे चारा कटवाना है, और एक दिन पहले हमने इससे कटवाया था, इससे पहले यानी कि 5-6 दिन पहले। तो उस टाइम बहुत कम कटवाए थे क्योंकि सारा चारा तो खेत में ही पड़ा था, धान की जो है वो फटकाई नहीं हुई थी, ना ही बाजरे का चारा, यहाँ पे कुट्टी वगैरह आया था, कुछ भी नहीं आया था। तो अब तो सब है, तो मैं यहाँ पर कुट्टी रख रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ये हरे हैं अभी, मुझे कुट्टी को कटवा के ना छत पे डालना पड़ेगा सुखवाने के लिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो बस मैं इनको बुला ली हूँ और ये अपनी मशीन में धार लगा रहे हैं ट्रैक्टर वाले भैया, और हम इधर चारा जो है वो जितना कटवाना है उतना यहाँ पे रख लिया है। और ये जो काटते हैं ना मशीन, जो ट्रैक्टर वाले हैं, ये 20 रुपये मिनट लेते हैं, 20 रुपये पर मिनट। तो जितना भी मिनट लगेगा उसी हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे पैरा लग रहे थे, पियरा ज़्यादा मुझे लग रहे थे, तो इनको मैंने निकाल के और साइड में कर दिया। नहीं तो फिर ज़्यादा अगर इसको हम कटवा लेंगे तो फिर इससे ना जानवर, गाय हो या भैंस हो, तो इससे दूध जलता है, तो दूध उसका ना जले, इसलिए मैं यहाँ पर उसको और निकाल दी हूँ। तो यहाँ पर कोई मेरा मतलब कि कोई है नहीं दोस्तों मशीन वगैरह में चारा कटवाने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने इन्हीं को बोला, वैसे काटते नहीं हैं, जिनके घर में सब लोग होते हैं तो कटवा लेते हैं, मैं तो थी अकेली। तो मैंने मेरे बच्चों का हेल्प लिया और ये ट्रैक्टर वाले भैया को भी बोला कि आप लगा दो, क्योंकि कोई जेंट्स नहीं है, और इस मशीन के पास कोई जेंट्स रहता है तभी सेफ्टी रहती है, क्योंकि लेडीज़ का बस का नहीं है इसीलिए। लेकिन बच्चे जो है वो पीरा उठा रहे थे और मैं बड़ी बड़ी कुट्टी उठा रही थी, क्योंकि बच्चे इतनी बड़ी थोड़ी ना उठा पाएंगे, और ऊपर से ये हरा है, तो इसलिए मैंने इनको बोला कि आप लोग पेरा देते रहना, और बहुत जल्दी जल्दी देना होता है दोस्तों, फटाफट देना होता है, मतलब रुकना नहीं है, रुकेंगे ना तो चारा बड़े बड़े मोटे मोटे निकलेंगे, जिससे फिर पशु खाएंगे नहीं, और इससे ज़्यादा टाइम भी लगेगा और पैसे भी ज़्यादा आएंगे। पैसे की बात तो चलो है, ठीक है, अपनी जगह पर है नहीं, और लेकिन फिर खाएँगे नहीं, चारा बड़े बड़े निकलेंगे और ख़राब निकलेंगे। तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने सारे बच्चों का देखिए सपोर्ट ले लिए, पूरे बच्चे कितनी मेहनत से, कितनी ईमानदारी से, 2 बच्चे और यहाँ पे आ गए थे पड़ोस के, तो ये लोग भी मेरा सपोर्ट करवाने लगे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं एक भी पेरा उठा के नहीं दी हूँ दोस्तों, लास्ट में दी हूँ, लेकिन शुरुआत में तो बिल्कुल छुई ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं बड़े बड़े जो कुट्टी थी उसी को उठाती रह गई थी, ये लोग फटाफट से दे रहे थे। और इसमें 3 लोगों की ज़रूरत होती है, तो एक तो मैं थी, एक लगाने वाले भैया थे, और एक मतलब बड़े लोगों का पूरा कमान इन लोगों ने संभाल रखा था, बच्चों ने। और कर भी हरी थी कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों, चारा फंस गया था, ये देखिए फंस गया था, तो बीच में बंद करना पड़ा था, 2 बार बंद करना पड़ा था बीच में, फिर वापस चारे को निकाल के फिर लगाया गया, फिर काटा गया, ऐसे करके ना हमारा टाइम ज़्यादा लग गया था, क्योंकि जो फंस गया था उसमें भी टाइम काउंट होता है, तो उसमें भी लग गया था। फिलहाल चारा तो हमने कटवा लिया है, अभी राहत मिल गई है। और इस बार ना हमने पूरे 15 से 16 दिन के लिए, करीब 17 दिन तक चलेगा ये चारा हमारा, तो 15-16 दिन के लिए तो एकदम से मैं फुर्सत हो चुकी हूँ। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, धान का खेत जो था, बाजरे का जो खेत था, सारा खेत खाली हो चुका है, उसमें गेहूँ की बुआई करनी है, और खेत का सारा काम
ख़त्म हो गया है, अब जो काम रह गया वो घर का रह गया, जैसे धान को सुखवाना, उसको हवा में उड़ाना, उसको चावल कड़वाना, यही सारे काम रह गए हैं। बाजरे को मतलब कि यहाँ पे साफ़ करना और स्टोर करके रूम के अंदर अच्छे से रखना, मतलब अभी घर में भी बहुत सारे काम है। टोटली मतलब मेरे कहने का मतलब होता है ना कि जैसे बाहर का कुछ निपट गया तो चलो अभी बहुत सुकून महसूस हो रहा है, अब घर में जो है वो हम देर सवेर करते रहेंगे। सेवई खा रहे हैं दोस्तों, कल शाम की है, दवा खाएंगे इसके बाद। हमने भी थोड़ा बहुत खाया पिया दोस्तों, आराम किया क्योंकि बुखार भी ठीक नहीं हुआ है अच्छी तरह से, और उसके बाद टाइम लेने के बाद, रेस्ट करने के बाद हम इन सब को अब ले चलेंगे छत पे, और वही जगह है क्योंकि और जगह मेरे पास कहीं है नहीं कि मैं इसको नीचे डाल दूँ, हवा लगे सूखता रह जाए, वही जगह है मेरे पास, तो बस एक ही ऑप्शन है, तो बस उसको मैं ले चलूँगी इसको छत पे। और बच्चों को मैंने वापस से सपोर्ट में ले लिया है, तो ये लोग सब मिलके चारा ऊपर चढ़वा दिए हैं, जगह यहाँ पे खाली हो गई है, और यहाँ पे बहुत सारे कचड़े मतलब फैल गए थे, तो यहीं पे आना जाना सारे काम सुबह शाम मतलब दिन भर यहीं पे आना जाना, तो पूरा खरपतवार छोटे छोटे ऐसे पत्ते वगैरह फैले थे, तो जिनको मैंने अच्छे से यहाँ पे साफ़ भी कर दिया है, रेस्ट ले लेके आराम से करती रही हूँ दोस्तों, क्योंकि करना तो है ना, तो बस आराम से कर रही थी मैं सारे काम को। और हमारे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं दोस्तों जिनका नाम है यश साहू, उनका बर्थडे था, उनका बर्थडे मैं विश नहीं कर पाई हूँ टाइम पे, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आपको जन्मदिन की ढेर सारी खूब शुभकामनाएँ, और खूब 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 खुश रहिए, जीवन में ऐसे ही तरक्की करते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए बिना रुके, यही मैं माता रानी से कामना करती हूँ आपके लिए। और ये देखिए सारे काम तो निपट चुके हैं, बस लगातार मैं काम को करती जा रही थी, उसके बाद जो भी काम था मैंने सोचा सब निपटा लूँगी तभी आराम से बैठूँगी, क्योंकि बिना कि ये भी आराम से बैठा नहीं जाता है, खुद से बैठा ही नहीं जाता है कि चलो अभी ये काम करना है कर लेते हैं, वो काम करना है। उसके बाद हम गोबर फेंकने के लिए आ गए थे क्योंकि टाइम हो गया था करीब 3 बजे का, तो ये भी टाइम हो रहा था गोबर उठाने का, अगर नहीं उठाएंगे तो ये भी घूम घूम करके सारे गोबर को काट कूट करके फेंक देंगी, और फिर इसके बाद इनको चारे देने का भी टाइम आ गया था, तो 3 बजे तो वैसे सानी पानी डेली होती है तो इसलिए उसको भी करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए हम चरही को साफ़ करने के लिए आ गए थे ताकि साफ़ कर दें, और साफ़ करने के बाद इसमें हम इनको यही लगे हाथ चारा सानी कर देंगे, फिर उसके बाद हमको कुछ नहीं रह जाएगा, बस शाम को रह जाएगा गाय को लगाने के, उसको दूध उसका दूध निकालना रह जाएगा। सुबह शाम के टाइम रोज़ इसको साफ़ किया जाता है, फिर शाम को और सुबह फिर खाती हैं और शाम को फिर साफ़ किया, वैसे तो साफ़ रहता है पर जो बहुत थोड़ा बहुत पानी रहता है उसको फेंक देते हैं क्योंकि इसमें से महक आने लगती है। एक हमारे बहुत बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर हैं दोस्तों जो दुबई से देख रहे हैं हमारी वीडियो को, निशा निशु इनकी आईडी है, इनके कमेंट को भी मैंने लगा दिया स्क्रीनशॉट लेने के बाद, और इन्होंने बोला कि आप मुझसे बात कर लीजिए। देखिए अगर मैंने सारे सब्सक्राइबर को हमेशा बोला है कि अगर आप बात करना चाहते हो हमसे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे इसी आईडी पे हमें मैसेज करिएगा, जो भी बात होगी मैसेज के ज़रिए हम आपसे बात कर लेंगे। और रही बात हेल्प करने की, तो मैं आपको इस मतलब कि मैं किसी को किसी मेरे ज़रिए किसी को परेशानी हो, मेरी वजह से किसी को तनिक भी दिक्कत हो, ये मैं कभी नहीं चाहूँगी, और आप मेरे लिए इतना सोची मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मतलब खुद को सौभाग्यशाली समझा मैंने, मुझे एहसास हुआ, और इस बात से मुझे बहुत खुशी, बहुत सुकून, बहुत तसल्ली भी मिली है दोस्तों। और आपने मेरे लिए इतना सोचा मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। तो बस अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहती हो तो मेरे वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, हमेशा फुल वीडियो वॉच कीजिए, क्योंकि मेरे 36,000 सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, अगर आप लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं। दाल चावल और 2 रोटियां नीचे आ गई हैं, 1 रोटी तवे पे है, तभी जो है हमारा गैस ख़त्म हो गया है, हमारे जो गैस महाराज है वो नाराज हो चुके हैं, अब हमें दूसरा गैस लेना पड़ेगा। जैसे तैसे 1 रोटी सीख जाए, ये देखो बड़ी मुश्किल से, पता नहीं सीखेगा कि नहीं सीखेगा, ये भी मुझे नहीं पता है। गैस जो है वो लाल लाल जलना शुरू हो गई थी ना, तो हमें पता चल गया था कि अब ये गैस साथ छोड़ने वाली है, धोखा देने वाली है, तो सिलेंडर पहले से ले लेना था,
पर देख रहे हैं अभी हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ चूल्हे का सहारा लेना पड़ेगा। और ये था शाम का टाइम, सुबह का टाइम, मॉर्निंग। सबको खाना पीना खिला दिया, मैंने भी खा पी लिया है। बच्चे यहाँ पे, इनको चाहिए था पैसा तो बस मैंने इनको दे दिया है। और आज की विदाई लेने का टाइम आ गया है। आज तक का सफ़र यही था। मिलेंगे अगले वीडियो।